The information provided on the MeadowGiven platform is for general information and educational purpose only. All material taken from various sources for fair use. We don't support self-medications at any circumstances. Do consult with your doctor before use of any medication. Thank you. आज हम जिस मॉलिक्यूल्स के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज के कुछ पॉपुलर ब्रांड है ड्यूफ्लैक, लूज, इम्टी। ये सारे पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। चलिए अब हम लैक्टुलोज के बारे में विशेष रूप से देखते हैं। लैक्टुलोज एक मैनमेड शुगर है जो कि मिल्क शुगर से बनाया जाता है। लैक्टुलोज एक नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसेचराइड्स है जो कि गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनता है। अगर लैक्टुलोज के यूजर्स के बारे में देखें, इंडिकेशंस के बारे में देखें, तो लैक्टुलोज यूज होता है इन कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कब्ज के नाम से जानते हैं, हेपेटिक इंसेफलोपैथी। हेपेटिक इंसेफलोपैथी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी में अमोनिया लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को भी लैक्टुलोज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है एज ए लैक्सेटिव। इन पाइल्स के पेशेंट में लैक्सेटिव जैसा काम करेगा। लैक्सेटिव ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है डोजेस। लैक्टुलोज पाउडर के फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होता है। अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर ml से। इनिशियली अगर एडल्ट के डोज में देखें तो 10 से 20 ग्राम डेली सिंगल डोजेस में या डिवाइडेड डोजेस में इसको दिया जा सकता है। बेसिकली लैक्टुलोज BID यानी कि ट्वाइस ए डे यानी दो बार दिन में दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीट करने के लिए मैक्सिमम 40 ग्राम्स डेली ही लैक्टुलोज दिया जाना चाहिए। फॉर हेपेटिक इंसेफलोपैथी ये मैक्सिमम डोज 6200 ग्राम भी हो सकता है, जो कि आपके फिजिशियन द्वारा डायरेक्शन देने के बाद ही यूज किया जाए। लैक्टुलोज WHO के द्वारा भी एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए अब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में देखते हैं कि लैक्टुलोज आखिर किस प्रकार कॉन्स्टिपेशन, हेपेटिक इंसेफलोपैथी में हमारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है। लैक्टुलोज एक नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर है जिसके कारण वो ना ही स्टमक में ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, बल्कि लैक्टुलोज बाईपास करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लैक्टुलोज बेनिफिशियल बैक्टीरिया के कारण ब्रेकडाउन होता है, टूटता है एसिटिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में और लैक्टिक एसिड में, जो कि इंटेस्टाइन के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल्स को लार्ज इंटेस्टाइन में खींच के लाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन के पेरिस्टाइलिस मूवमेंट को भी बढ़ा देता है, जिसके कारण स्टूल आसानी से पास हो जाता है और इस तरह लैक्टुलोज कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। हेपेटिक मींस होता है लीवर और इंसेफलोपैथी का मतलब होता है ब्रेन डैमेज। बॉडी में अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन प्रोसेस में NH2 ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप सेपरेट होता है, अलग होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डीएमिनेशन कहते हैं। NH2 बॉडी में अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया एक टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस है बॉडी के लिए। ये आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट भी नहीं होता है। लीवर की मदद से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, जो कि लेस टॉक्सिक होता है और आसानी से किडनी के द्वारा एक्सक्रीट और बाहर निकाल दिया जाता है। अनहेल्दी लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ता चला जाता है
और अल्टीमेटली इसका प्रभाव ब्रेन पे पड़ता है, जिसके कारण ब्रेन सेल डैमेज होता है और इनसेफलोपैथी का कारण बनता है। लैक्टुलोज बॉडी में बढ़े हुए अमोनिया लेवल को घटाता है। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं, लैक्टुलोज लार्ज इंटेस्टाइन में एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में टूट जाता है। ये एसिड अमोनिया को, NH3 को अमोनियम आयन यानी NH4 में कन्वर्ट कर देती है। NH4 या अमोनियम आयन बॉडी से इजिली स्टूल के द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, और इस तरह लैक्टुलोज अमोनिया लेवल को घटा देता है और हेपेटिक इंसेफलोपैथी का ट्रीटमेंट करता है।